हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम बहुत खुश है, इतना खुश है कि क्या बताएं। वीडियो में आगे बने रहना, आपको मेरा खुशी का राज पता चल जाएगा। तो गाइस, एक यूट्यूबर को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलता है, जब उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि चैनल मोनेटाइज करने के लिए 365 डेज के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करना होता। नहीं तो एक और अभी नया रूल आया, उसमें आपको 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज वो भी शॉर्ट्स से और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता, तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है। तो बस गाइस, मेरा खुशी का राज यही है कि फाइनली मेरा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले यार, आप लोगों मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना मेरे को प्यारा सपोर्ट किया, आप लोग का इतना प्यारा सपोर्ट की वजह से ये कंप्लीट हो पाया, वरना ये तो इम्पॉसिबल ही था। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट किया और इसी तरह से प्यारा सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो अब IT स्टूडियो ओपन करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और मेरा 4420 हो चुका है, और साथ में यहाँ पे 4000 पब्लिक वॉच टाइम चाहिए और मेरा 4061 हो चुका है। और हाँ गाइस, साथ में आपका चैनल 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए चैनल पे, और साथ में आपका चैनल पे एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं होना चाहिए। बस ये चारों चीज अगर आपका चैनल पे कंप्लीट है और सब में आपका ग्रीन ग्रीन टिक हो गया जैसे मेरा आपको दिख रहा, बस उसके बाद आप चैनल को रिव्यू में भेज सकते हो, मतलब कि आप चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली आपको ऊपर में अप्लाई नाउ लिखा हुआ दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद क्लिक करने के बाद आगे जितना प्रोसेस होता है, जो जो स्टेप होता है, स्टेप को आपको कंप्लीट कर लेना है। अरे रुको, कहां जा रहे हो, अभी वीडियो में आगे बने रहो, क्योंकि मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि मोनेटाइज के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है और सारा कुछ बताऊंगा। और साथ में ये भी पता चलेगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया, और अगर मोनेटाइज हो गया तो कितना समय लगा मोनेटाइज होने में। और हाँ, एक सवाल जो सबके मन में होता है कि मैंने ये क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच टाइम कितना दिन में कंप्लीट किया और कैसे कंप्लीट कर लिया, तो इसका जवाब भी मैं वीडियो में आगे दूंगा। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले गाइस, देख लो नीचे आपको दिखा रहा कि किस किस तरीका से पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे आपका पहला है वॉच पेज एड से, उसके बाद दूसरा शॉर्ट्स फीड एड से, उसके बाद मेंबरशिप से आप कमा सकते हो, उसके बाद सुपर मतलब सुपर थैंक्स, सुपर चैट, ये सब से कर सकते हो, साथ में आप शॉपिंग से भी कमा सकते हो, इतना जगह से आप पैसा कमा सकते हो। तो गाइस, अब चलो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन स्टेप दिखेगा, तीनों स्टेप को कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप में कुछ नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होता है और कुछ भी नहीं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं चाहते हो एक्सेप्ट करना, फिर भी करना ही होगा, क्योंकि इसके आगे प्रोसेस जाएगा ही नहीं। तो आपको नीचे चेकबॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करना और फिर आपको डन कर देना। और उसके बाद देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है। तो अब सेकंड स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको अपना यूट्यूब चैनल को गूगल एडसेंस से ऐड करना होगा, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका जितना ही पैसा बनता है ये सब गूगल एडसेंस में ही ऐड होता है, उसके बाद यहाँ से आपका बैंक में ट्रांसफर होता है। चलो यहाँ मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, डू यू हैव एन एक्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट बना हुआ है क्या, क्योंकि एक इंसान पूरा लाइफ में एक ही बार एडसेंस अकाउंट बना सकता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा, यस आई हैव एन एक्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डोंट हैव एन एक्जिस्टिंग अकाउंट, आई डोंट नो। तो अगर आपका पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपका पहले से नहीं बना हुआ है तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है जो मोनेटाइज होने जा रहा है, मैं पहली बार मोनेटाइज करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका पहले से जो एडसेंस अकाउंट बना हुआ उससे आपका चैनल ऐड हो जाएगा और आपका स्टेप टू कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर लिया, और नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू दिख रहा है, उस पर क्लिक करना। और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका फोन में जितना जीमेल अकाउंट है सारा जीमेल अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जीमेल अकाउंट से आपका चैनल है उस जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा गूगल एडसेंस, जो आपको करना होगा साइन अप। तो अब साइन अप करने के लिए क्या क्या डिटेल देना है, तो सबसे पहले गाइस आपसे यहाँ पे मांग रहा है योर वेबसाइट, मतलब आपका चैनल का लिंक मांग रहा है, तो ये आपको नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड में क्या पूछ रहा है आपसे, तो गाइस यहाँ पे सेकंड में पूछ रहा है कि गूगल एडसेंस की तरफ से कुछ भी सजेस्ट करना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी बताना हो, मतलब कुछ भी बताना होगा तो आपको मेल करेगा। तो अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको वो मेल करेगा, नो करोगे तो नहीं करेगा। तो अगर आपको चाहिए तब यस करना, मेल नहीं चाहिए तो नो करना। तो मुझे तो मेल चाहिए तो मैं यस करूंगा यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस। उसके बाद यस करने के बाद आगे आपसे पूछ रहा कंट्री, मतलब आप किस कंट्री से हो, कहाँ से हो, तो मैं हूँ इंडिया से, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। तो चलो जल्दी से इंडिया को ढूंढते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया मिल चुका है, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर दो इंडिया। उसके बाद नीचे आपको फिर से टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करना, उसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आप कर देना क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर तक लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे खुल जाएगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ देखो कस्टमर इन्फॉर्मेशन खुल चुका है, उसके बाद अभी थोड़ा सा और लोडिंग ले रहा है, इसे लोडिंग लेने देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो लोडिंग ले चुका है, और यहाँ देखो एकदम फॉर्म जैसा खुल चुका है जिसमें पूरा डिटेल भरना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल में क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा अकाउंट टाइप, उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेगा इंडिविजुअल और बिजनेस। तो अगर आपका ये पर्सनल अकाउंट है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए, और अगर कंपनी का अकाउंट है तो बिजनेस। तो ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे में आपको डालना है नेम,
उसके बाद डालना है एड्रेस, उसके बाद सिटी, उसके बाद पिन कोड डाल देना, उसके बाद स्टेट डालना है और उसके बाद फोन नंबर। तो फोन नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। और हाँ गाइस, ये जितना आप डिटेल डालोगे सारा का सारा आपका गवर्नमेंट आईडी में होना चाहिए, एकदम सेम डिटेल, गलत नहीं होना चाहिए एक भी जड़ा। तो चलो मैं सारा डिटेल भरने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ मैं सारा डिटेल भर दिया हूँ। अरे देख कैसे पाओगे, मैं तो यहाँ ब्लर करके रखा हूँ। तो गाइस यहाँ पे सारा डिटेल भरना है, उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे ये दिखेगा, फिर थोड़ा सा वेट करना है और आपको यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पे। ये देखो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ये देखो कर दिया रीडायरेक्ट यूट्यूब पे। और यहाँ पे देख सकते हो सेकंड स्टेप चल गया इन प्रोग्रेसिंग में। तो गाइस यहाँ पे अगर मेरा पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ रहता तो यहाँ डायरेक्ट डन हो जाता, लेकिन पहले से नहीं बना था, मैं अभी क्रिएट किया हूँ, इसलिए यहाँ पे चल गया इन प्रोग्रेसिंग में। अब मेरा अकाउंट को वो चेक करेगा और चेक करने के बाद यहाँ पे भी डन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे नीचे तो लिखा हुआ है कि 2 से 3 वीक लगेगा, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन गाइस देखते हैं कितना दिन में ये प्रोसेस या कितना टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और यहाँ पे कब सेकंड स्टेप डन होता है। 2000 years later गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चैनल मोनेटाइज कर रहा हूँ। इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार हर एक घंटे के बाद मैं ओपन करके चेक कर रहा था कि डन हुआ कि नहीं, और फाइनली 12 घंटा लगा और 12 घंटे के बाद ये स्टेप 2 हो जाता है डन। तो गाइस स्टेप 1 हो गया कंप्लीट, स्टेप 2 हो गया कंप्लीट, अब करते हैं स्टेप 3। तो गाइस स्टेप 3 में कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे ही आपका स्टेप 2 होता है कंप्लीट ऑटोमेटिक स्टेप 3 चल जाता है इन प्रोग्रेस में, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने वो चला जाता है। और स्टेप 3 में होता क्या है, तो गाइस स्टेप 3 में आपका चैनल रिव्यू होता है, मतलब कि आपका चैनल चेक होता है यूट्यूब टीम की तरफ से। यूट्यूब टीम आपका चैनल चेक करेगा और देखेगा कि आपका टीम चैनल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, आपने जो क्राइटेरिया कंप्लीट किया वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ये कोई गलत तरीका से तो नहीं ना कंप्लीट किया, और आपका चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ये सब वॉयलेट नहीं करता, और मतलब सारा कुछ आपका चैनल पे चेकिंग होगा और चेक करने के बाद देखेगा आपका चैनल एकदम सही है। और अगर आपका चैनल सही हुआ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो तो आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस मेरा चैनल मोनेटाइज होता है या रिजेक्ट होता है, और होता है तो कितना टाइम लगता है, चलो देखते हैं। 2000 years later गाइस देख सकते हो फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस आलोक गुप्ता गेमिंग, यू आर नाउ अ यूट्यूब पार्टनर। और ये देखो मेरे को यूट्यूब की तरफ से मेल भी आ चुका है, वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आलोक गुप्ता गेमिंग करके, और देखो सारा कुछ लिखा हुआ है नीचे में। तो अब आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अलग अलग टाइप से पैसा बना सकते हो, तो यहाँ पे जितना टाइप है सारा टाइप आपको शो कर रहा है, आपको जिससे पैसा बनाना है उसको कर दो गेट स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे सबको गेट स्टार्ट करूंगा क्योंकि यार जब यूट्यूब खुद ऑप्शन दे रहा है तो क्यों छोड़ा जाए, सबको गेट स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी सबको गेट स्टार्ट कर लेना यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे है वॉच पेज एड, तो इसको करना है यहाँ पे गेट स्टार्ट, उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिखेगा, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए नीचे आप देखना एक बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको टिक करना है, और उसके बाद उस पर टिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे गाइस आपसे पूछ रहा है कि आपको सारा वीडियो मोनेटाइज करना है या फिर आपको कुछ कुछ मोनेटाइज करना, तो नहीं भैया मेरे को तो यहाँ सारा वीडियो मोनेटाइज करना है, सबसे पैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मोनेटाइज ऑल पे क्लिक कर दूंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्टिव हो चुका है, अब सेकंड वाला सेम टू सेम आपको गेट स्टार्ट करना है, टर्न ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिखेगा, इसमें भी आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपका देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है सेकंड वाला कंप्लीट। अब यहाँ देखो आपको दिख जाएगा एक्टिव लिखा हुआ, तो ये देखो सेकंड वाला भी हो चुका है एक्टिव। अब थर्ड वाला जो है मेंबरशिप, तो मेंबरशिप को मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं इसे बाद में स्टार्ट करूंगा, अगर आपको अभी स्टार्ट करना है तो आप वहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। तो अब चलो एक और जो है उसको भी कर लेते हैं जो है सुपर, तो इस पर भी करना है गेट स्टार्ट पे क्लिक पर, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे भी गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको ऐसा यहाँ पे दिखेगा टर्म एंड कंडीशन, और साथ में नीचे आपसे कुछ पूछेगा डिटेल, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना फुल नेम डाल देना, देखो मैं यहाँ पे फुल नेम डाल दिया हूँ, और साथ में आपको नीचे यहाँ कंपनी नेम का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको अपना चैनल का नेम डालना है, जो आपका चैनल का नेम है वो डालना है, देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना चैनल का नेम डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल पूछ रहा है, तो वैसे यहाँ पे आपको जो अपना चैनल का ईमेल है वही वाला ईमेल डालना है, चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ईमेल। तो यहाँ पे तीनों डिटेल भरने के बाद नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करना और उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, बस उसके बाद आपका थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, तीनों को कर देना है टर्न ऑन, बस आपको तीनों को टर्न ऑन कर देना है, उसके बाद आपका सुपर वाला ऑप्शन भी हो जाएगा एक्टिव। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा वीडियो में ग्रीन कलर में डॉलर का साइन दिख रहा है मोनेटाइजेशन ऑन, क्योंकि फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। बस गाइस मोनेटाइज करने के लिए बस इतना ही कुछ करना पड़ता है, इतना ही सारा प्रोसेस होता है। अब गाइस जब आपका गूगल एडसेंस पे $10 हो जाएगा तो आपका एड्रेस पे गूगल एडसेंस पिन आएगा, जिसको आपको अकाउंट में डाल के एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। बस उसके बाद जब आपका अकाउंट में $100 हो जाएगा तो आपका बैंक में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब जाओ जल्दी जल्दी अपना चैनल को करो मोनेटाइज और छापो पैसा। तो गाइस आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि मोनेटाइज के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, मोनेटाइज कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया ना कि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई और मोनेटाइज कैसे किया, और साथ में ये भी पता चल गया होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अब सुन लो कि मोनेटाइज होने में समय कितना लगा। तो गाइस फर्स्ट स्टेप तो कोई समय नहीं लगा, सेकंड स्टेप में मेरे को लगा यहाँ पे टोटल 12 घंटा, और थर्ड स्टेप होने में मेरे को लगा
लगा 9 घंटा, मतलब कि टोटल मेरे को सारा मोनेटाइज होने में लगा 21 आवर्स, मतलब कि 24, मतलब एक दिन भी नहीं लगा, सिर्फ 21 आवर में सारा कंप्लीट हो गया। अब ये भी जान लो कि ये क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच टाइम मैंने कितना दिन में कंप्लीट किया। तो गाइस मेरे को ये चैनल खोला हुआ हो गया है पूरा 1.5 साल, मीन्स 18 मंथ हो चुका है। और YouTube आपको ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए समय देता है 1 साल, मीन्स जब आप इसे अप्लाई करते हो मोनेटाइज के लिए, उससे पीछे 365 डेज का सिर्फ काउंट होता है, उससे पीछे का जितना है सारा माइनस हो जाता है, वो काउंट नहीं होता है। तो मैं सही बताऊं तो गाइस मैं ये क्राइटेरिया कंप्लीट किया हूं सिर्फ 4 मंथ के अंदर। मतलब कि जब मैं चैनल खोला तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे को यार लगभग मान लो कि 6-7 मंथ तो मुझे सीखने में ही लग गया कि कैसे क्या होता है, सब कुछ सीखने में 6-7 मंथ लग गया। उसके बाद बाकी जो समय बचा उसमें मेरा धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। तो पता है स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा बढ़ता था 1 घंटा 2 घंटा इस तरह ही बढ़ता था, लेकिन मैं वीडियो डालता रहा और उसके बाद धीरे धीरे वॉच टाइम बढ़ना चालू हुआ, और उसके बाद सिर्फ 4 मंथ के अंदर मेरा 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि मैंने ये क्राइटेरिया 4 मंथ के अंदर कैसे कंप्लीट कर लिया, तो चलो मैं आपको बताता हूं मैंने ये 4 मंथ के अंदर कैसे कंप्लीट कर लिया और आप भी कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस मैंने ये 4 मंथ के अंदर तो कंप्लीट किया, लेकिन ये 4 मंथ के अंदर कंप्लीट करने का पीछे 1.5 साल का मेहनत है। मैंने पूरा 1.5 साल मेहनत किया तब जाके 4 महीना के अंदर कंप्लीट हुआ है ये। और यार सही बताओ तो 4000 पब्लिक वॉच टाइम सिर्फ देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा है, नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो यार बहुत इजी है, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है 4000 पब्लिक वॉच टाइम, बस देखने में ही हार्ड लगता है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वीडियो डालते रहना, वीडियो डालना नहीं छोड़ना, चाहे आपका 0 व्यूज आए चाहे आपका 10 व्यूज आए, लेकिन छोड़ना नहीं। बहुत कोई यार कम व्यूज आता है तो वीडियो डालना ही छोड़ देता है, तो यार स्टार्टिंग में मेरा भी कम आता था और सभी का स्टार्टिंग में कम ही आता है, तो वीडियो डालना नहीं छोड़ना है, वीडियो सिर्फ डालते रहना है। और हाँ, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और थंबनेल टाइटल सब अच्छा डाले होना चाहिए, ये सब अगर नहीं आता है तो ये सब पहले अच्छा से करने सीख जाना, उसके बाद आप वीडियो डालते रहना है, एकदम छोड़ना नहीं है। और आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, बस उसके बाद इजिली आपका क्राइटेरिया हो जाएगा कंप्लीट, एंड फिर अपना चैनल को कर लेना मोनेटाइज, और उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।